गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माई चैनल. मैं हूँ हमजा हुसैन. सो फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे. आज ही के दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो संविधान है, वो अप्लाई हुआ था और इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था. तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा सोचता था कि जब वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज है, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कैनेडा वगैरह, तो ये सारी जो डेवलप कंट्रीज है और उनके जो कैपिटल है, उनकी जो कैपिटल है, इतनी अच्छी सिटीज़ है, इतने डेवलप्ड है, उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, तो मैं ये हमेशा सोचता था कि ये ऐसा क्यों है और हमारे इंडिया का कैपिटल भी इस तरह से क्यों नहीं बन सकता. तो अभी मैंने जैसा स्टडी किया है और उसमें पता किया है कि दिल्ली में अभी जो केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में काफ़ी सारी चीज़ें की है, जिसके रीज़न के वजह से दिल्ली की जो इकोनॉमी है वो इंडिया की सारी कंट्री की इकोनॉमी से काफ़ी ऊपर, बल्कि उनका GDP ग्रोथ रेट 8.6% चल रहा है. तो इसका मेन रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो बेसिक चीज़ें होती है, जैसे एक इकोनॉमी बढ़ती कैसे है, वो बढ़ती है कि उसका डिमांड बढ़ने से बढ़ती है. अब डिमांड कैसे बढ़ती है? जब जो उनके लोग हैं उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है. डिस्पोजेबल इनकम का मीनिंग ये होता है कि आपके जो डेली फिक्स, मंथली फिक्स एक्सपेंस है, वो निकालने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा क्या बचता है. तो वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, दिल्ली गवर्नमेंट की, केजरीवाल सरकार की, उसमें ये है कि उन्होंने हेल्थ केयर फ्री किया. जैसा आप देखोगे कि वर्ल्ड की सारी जो डेवलप कंट्रीज है उसमें हेल्थ केयर फ्री होता है सबके लिए, इरिस्पेक्टिवली उनका इनकम लेवल क्या है. दूसरी चीज़ कि एजुकेशन वर्ल्ड क्लास किया और वो भी फ्री कर दिया. तो अब वर्ल्ड की बहुत सारी, जैसे कैनेडा है, वहाँ पे 18 इयर्स तक एजुकेशन फ्री है, नॉर्वे है, काफ़ी सारी, स्वीडन है, इधर सब जगह पे एजुकेशन इज़ फ्री. फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दिया दिल्ली में अप टू 200 यूनिट्स, तो मैक्सिमम लोगों के बिल्स जो है वो ज़ीरो आने लगे, और वाटर भी फ्री कर दिया. तो ये सारी चीज़ होने से एक इंडिविजुअल के पास काफ़ी सारा पैसा बचने लगा. जैसे ऑन एन एवरेज, जैसा उनका ही कहना है कि 5 से 6 हज़ार रुपये पर मंथ एक फैमिली का बचने लगा. अब ये 5 से 6 हज़ार रुपये जब बचने लगा, तो क्लियर बात है कि इससे कुछ ना कुछ वो और परचेस करेगा, कुछ बाय करेगा, कुछ घूमेगा फिरेगा. तो ये सारी चीज़ों से एक डिमांड क्रिएट हुआ. जब लोगों के जेब में पैसा आता है तो डिमांड क्रिएट होता है, डिमांड क्रिएट होता है तो बिज़नेस बढ़ता है, क्योंकि वो उतना कंज्यूम होता है. और इस तरह से बिज़नेस बढ़ा और उनका जो, जैसे वो कहते हैं कि टैक्स कलेक्शन जो है, जो उनका बजट था 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हो गया 5 ईयर्स में, बिना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग के बिना. तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है और ये एग्जांपल है कि जितना आपके डिमांड जो है उसको बढ़ाने के लिए आपके जो लोग है, जो आपके पॉपुलेशन है, उसके अंदर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ना चाहिए, जिससे, जैसे एग्जांपल, सारी जो बेसिक नीड्स है वो सारी फुलफ़िल हो गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो बाकी सारी चीज़ों में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे और ज़्यादा स्पेंड करने लगे, जिससे टैक्स बढ़ा, बिजनेस बढ़ा और ओवरऑल GDP बढ़ी. तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यही पॉलिसी पूरे इंडिया में अगर सारी गवर्नमेंट फॉलो करे, या केजरीवाल सरकार सारे इंडिया में आ जाए, तो इंडिया का जो इकोनॉमी का जो डाउन जा रहा है वो भी ऊपर आ सकता है. और सारे जो बिज़नेस के, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बोलते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जितना होते जाएगा उतना और ग्रोथ होगा. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया काम किया है दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने, और मैं अपील करना चाहता हूँ कि दिल्ली के सारे लोग फिर से उनको एक बार वोट करें और उनको फिर से CM बनाए, ताकि जो ये ग्रोथ है इसी तरह से और बढ़ता जाए और इंडिया की राजधानी दिल्ली का नाम पूरे वर्ल्ड में और से और फेमस हो जाए, कि जब कोई डेवलप कंट्री के तरफ देखे और इंडिया की तरफ देखे, जो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उनके दोनों के कैपिटल में हमको वो कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा ज़्यादा डेवलप्ड है. सो मैं कहूँगा कि प्लीज़ दिल्ली में जाके वोट करिए एंड वोट फॉर आम आदमी पार्टी. थैंक यू गाइस, सी यू अगेन, बाय.